wake up. Today's gonna be a good day. सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सो गाइज, मॉर्निंग हो चुकी है, दिन शुरू हो चुका है और अब चल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। भाई आज के दिन की ना एक्साइटमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल है यार। नेक्स्ट लेवल इसलिए है ना भाई कि जैसे आप कॉलेज टाइम पे होते हो या स्कूल टाइम पे होते हो ना, आपके एग्जाम्स खत्म होने वाले होते हैं, ऑलमोस्ट लास्ट एग्ज़ाम होता है, तो एक एक्साइटमेंट होती है, तो वही काइंड ऑफ एक्साइटमेंट है। अभी यार प्रोबेबली आज नहीं तो कल विल बी यू नो, हम अपने इस बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाएंगे, थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद जो अपना यार ट्रैवल जो बीच में पेंडिंग हो गया था, जो ट्रिप अपना पेंडिंग हो गया था, उसको कॉन्टिन्यू करेंगे। आप लोग व्लॉग पहले से देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा। तो गाइज वही एक्साइटमेंट है यार, और मतलब नेक्स्ट लेवल है यार। गाइस गर्मी इतनी हो रही है ना यार, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना भाई, क्या ही बोलूँ। आप लोगों को भी पता होगा, जो लोग दिल्ली एनसीआर से, उनको डेफिनेटली पता होगा। और भाई अभी ना यार मैं सोच रहा हूँ कि सुबह एक मॉर्निंग है ना, तो एक हल्का सा यार जूस वगैरह ले लें, थोड़ा सा ठीक रहता है ना, थोड़ा सा हाइड्रेटेड भी रखता है और गर्मी के लिए ठीक ही है यार, अच्छा ही है। तो एक बार ले लेते हैं, अंदर मार्केट में ले लेते हैं और जूस पिक करते हैं पहले। सो गाइस जूस तो पिक कर लिया है। इतनी गर्मी है ना भाई, नाउ फीलिंग्स बेटर। फाइनली गाइज ऑफिस के नियर बाय पहुँच चुके हैं और जल्दी से अब अपने ऑफिस पे पहुँचते हैं और काम पे फोकस करते हैं गाइज। आज और कल का दिन, और प्लीज कोप अप और फिर फटाफट ऑफिस से निकल के आपसे मिलते हैं। सो फाइनली गाइज निकल चुके हैं अपने ऑफिस से और यार आधे रास्ते तक पहुँच भी चुके हैं। भाई आज ना किसी को अपने साथ मेरे को ड्रॉप करना था ऑफिस की तरफ, तो इसलिए यार मैं उसको साथ में लेके आया था, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं करा। अभी फ़िलहाल उसको ड्रॉप कर चुके हैं और अब यार ये अपनी ग्रीन लाइन भी हो गई है, तो अभी निकलते हैं भाई आगे। देख रहे हैं यार कैसा मतलब भूत सा बना पड़ा हूँ यार, मतलब ऐसी हालत हो रही है ना भाई। पिछले एक हफ्ते से यार इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है ना भाई, क्या बताऊँ मैं यार। खैर एनीवेज गाइस, कल फाइनली ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और कल फाइनली आफ्टरनून तक आई होप कि हम अपना नॉर्मल रूटीन अचीव कर लें, क्योंकि बेसिकली ना यार गाइज एक ना अर्जेंसी थी यार, एक कुछ कंसाइनमेंट से रिलेटेड ना वर्किंग चल रही थी अपनी, तो फाइनल अब हो चुकी है। तो यार कल होपफुली विल बी फ्री, तो मज़ा आने वाला है भाई। वर्किंग डे में ना मतलब किसी भी टाइम आप आ जाओ रोड पे, सारी जनता आपको रोड पे ही मिलती है भाई। वर्किंग डे के अंदर ना भाई इतना ट्रैफिक रहता है ना भाई, बहुत ट्रैफिक रहता है, देख रहे हो अभी मतलब इतना लेट हो रहा है ना, ऑलमोस्ट अराउंड 8:30 के आसपास हो रहे हैं। और ये कोई मतलब रिटर्निंग आवर्स का टाइम नहीं है, ये कोई मतलब जैसे होता है ना वर्किंग आवर्स ऑफ होने के बाद रिटर्निंग आवर्स, ये है ही नहीं, या तो फिर इससे भी लेट होता है या इससे पहले होता है, बट फिर भी भाई इतना ट्रैफिक जाम है, देख रहे हो ये बिल्कुल भाई एंड टू एंड हम पहुँच चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट अब हमारे यहाँ से रेजिडेंस ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी देख रहे हो भाई फुल टू जैम है। ये अभी दिख रहा है आपको, लेकिन इसके आगे भी गाड़ियां हैं भाई। सो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं और फाइनली जो हमारा हैक्टिक वीक चल रहा था, इट्स गोना एंड टुमारो। यस गाइस, पॉजिटिवली आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि कल फाइनली
हमारा जो काम था जिसके अंदर हम लगे हुए थे, जिसकी वजह से सारी अर्जेंसी हो रही थी, जिसकी वजह से सब कुछ प्लानिंग हमारी स्टॉप थी, रुकी हुई थी और मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली कल भाई वो दिन है। तो भाई अगेन कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि कल वो सारी चीज़ें होपफुली अच्छे से हो जाए और भाई काम फिनिश हो। और फर्दर गाइज मतलब घर में जल्दी पहुंच गया था यार, रास्ते में ज़्यादा मैं व्लॉग कर नहीं पाया बिकॉज ना भाई एक मतलब थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ी सी यार जल्दी भी थी भाई घर पहुंचने की, बिकॉज वन ऑफ आर रिलेटिव आज उनको आना था हमारे यहाँ घर पे, तो भाई इसलिए भी मेरे को थोड़ा सा हरी अप करना पड़ा। मैंने ज़्यादा व्लॉग किया नहीं उस समय। और भाई फाइनली कल का जो अपना प्लान है तो होपफुली अगर भाई एवरी थिंग गोज़ नॉर्मल, अगर सब चीज़ें नॉर्मल जाती हैं एज़ पर प्लानिंग, तो भाई मैं होपफुली कल आफ्टरनून तक शायद फ्री हो जाऊँगा। और फ्री होने के बाद भाई कोशिश करेंगे कि आफ्टरनून के बाद थोड़ा सा अर्ली इवनिंग मतलब या आफ्टरनून के बाद ही और अर्ली इवनिंग ऑफिस से कोशिश करेंगे कि जल्दी निकल जाए। और निकल के भाई फिर चलते हैं और फिर प्लानिंग करेंगे भाई। ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो चुके हैं यार, मैं कुछ रील वगैरह भी अपलोड नहीं कर पा रहा था। छोटी मोटी स्टोरीज तो डाल ही रहा था यार इंस्टा पे, तो अभी फाइनली भाई कल एक नई रील वगैरह भी डालनी है तो वो भी डालेंगे और साथ के साथ भाई अपडेट करेंगे अपनी ट्रिप के ऊपर भी। तो अगेन भाई पूरी कोशिश यही है कि कल जैसा अभी जा रहा है वैसा ही नॉर्मल रहना चाहिए और फिर उसी के हिसाब से कल 100% करके फिर मैं आपको अपडेट दूंगा और इंस्टा पे स्टोरी अपलोड करूंगा उसी से रिलेटेड। तो गाइज़ अगर इंस्टा पे आपने फॉलो नहीं किया ना तो फॉलो कर लो गाइज़, बिकॉज उस पर सबसे पहले अपडेट उसी के ऊपर आती है गाइज और लेटेस्ट अपडेट आती है। यूट्यूब के ब्लॉग क्या है गाइज, मैं थोड़ा सा 1 या 2 दिन डिले होकर भी अपलोड होते हैं बिकॉज बहुत सारी वर्किंग होती है, बहुत लंबा ब्लॉग होता है, बट रील इंस्टेंटली होती रहती है भाई अपलोड। तो भाई वो चीज़ अगर आप फॉलो कर लोगे तो ईजी हो जाएगी भाई, आपके साथ कनेक्ट होना ईजी हो जाएगा। सेकेंड थिंग गाइज, अभी आफ्टर दिस शेड्यूल थोड़ा सा भाई अगर कल होपफुली सारी चीज़ ओके होती है तो फिर मैं जल्दी भी निकल लूँगा, बट फिर भी गाइज 1 या 2 दिन का मैं बीच में थोड़ा सा यार देखो आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बींग, आई ऑल्सो नीड सम रेस्ट, तो थोड़ा सा एक रेस्ट का पार्ट करेंगे यार, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसी के साथ ही जो भी प्लानिंग होगी मैं आपको अपडेट करूँगा। एंड बिलीव मी गाइज कमिंग वीक इज़ गोना रॉक, मतलब आप कहोगे कि भाई आग ही लगा दी है, इतना वंडरफुल होने वाला है ना, इतना मस्त होने वाला है भाई, फुल एन्जॉयमेंट होने वाली है। जो अभी हम लोग जितना हमने मिस किया है ना और जितना हमने पोस्टपोन किया है वो सारा वसूलना है गाइज, वो सारा वसूलना है। तो होपफुली गाइज काफ़ी अच्छा होने वाला है। और फिलहाल भाई टिल नाउ आज के लिए भाई थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है गाइज, तो इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा था भाई कि थोड़ा सा काम चला लेना, क्योंकि अभी इतने हैक्टिक शेड्यूल में ना भाई ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। तो वही अपना जो भी था भाई मैं पोर्ट्रे कर ही रहा था आप लोगों को, फिलहाल भाई सब कुछ हो चुका है। तो अब कल से वी विल स्टार्ट आवर नॉर्मल रूटीन आफ्टर लंच अगर सब चीज़ें नॉर्मल जाती हैं तो। और गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टा आईडी कीपिंग योर लाइफ 05 भाई फॉलो करना याद रखना, उस पर फॉलो कर लो गाइज। और मिलता हूँ दोबारा कल आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन स्माइल।